का क्वेश्चन नंबर टू पढ़ रहा हूँ। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इस बात का क्या मतलब है? वो कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के ही अंदर, तो पहले इतना फिगर बनाओ, ये एक सर्कल है, इस सर्कल की ये दो कॉर्ड हैं और ये दोनों कॉर्ड कैसी हैं? इक्वल, और एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट सर्कल के अंदर ही, ठीक। तब वो आगे कह रहा है प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, इस बात का क्या मतलब है? देखो मान लो जैसे ये एक कॉर्ड है ए बी, ठीक, ये एक कॉर्ड है सी डी, और ए बी और सी डी कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मान लो किसी पॉइंट ओ पर, सॉरी ओ नहीं कुछ और रखते हैं, जैसे मान लो एम पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बच्चों वो ये कह रहा है कि जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पर ना सेगमेंट बन गए हैं, मतलब कि देखो ये ए एम एक सेगमेंट है, ये सी एम एक लाइन सेगमेंट है ना, तो ये जो लाइन सेगमेंट बन गए हैं जैसे कि डी एम एक लाइन सेगमेंट है और ये बी एम एक लाइन सेगमेंट है, तो डी एम बी एम के इक्वल होगा, ये प्रूफ करके दिखाओ, और ये जो सी एम है और ए एम है ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से, ये एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी क्या हैं? टू इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड हैं। तो ये मैं नोट कर लेता हूँ सबसे पहले कि हमें गिवन है कि जो ए बी और सी डी हैं ये आपस में कैसे हैं? इक्वल, गिवन है, और ये भी गिवन है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जैसे ही इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन सेगमेंट बन जाते हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट हैं ये हमें दिखाना है कि आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम प्रूफ क्या करना है, बोलो प्रूफ क्या करना है? ए एम इक्वल्स टू सी एम, वेरी गुड, ए एम इक्वल्स टू सी एम दिखाओ और डी एम इक्वल्स टू बी एम दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करना आसान है, कैसे? देखो ध्यान दो, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस सर्कल का कहीं ना कहीं कोई एक सेंटर रहा होगा, उस सेंटर का नाम रख दिया हमने ओ, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम कोई भी लाइन बनाते हैं तो वो वहां पर क्या होती है? परपेंडिकुलर, यस, परपेंडिकुलर होती है और साथ में बाइसेक्टर भी होती है। ऐसी सेंटर से जब इस वाली लाइन पर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ पर क्या होगी? परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी और इस पॉइंट का नाम क्यू। तो ध्यान रखना ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है और एपी और पीबी आपस में कैसा होगा? इक्वल, क्योंकि जो सेंटर से जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो परपेंडिकुलर तो होती ही है बट ऑल्सो उस कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये एपी और पीबी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही सेंटर से जब आपने ये लाइन ड्रॉ की होगी तो यहाँ परपेंडिकुलर तो होगी ही बट इस सीडी का बाइसेक्टर भी होगी, तो सी क्यू और ये डी क्यू भी आपस में इक्वल होंगे। बेसिक से देखने में ना लग रहे हो आपको फिगर में, बट ये इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सेंटर ओ है इससे इस एम लाइन को, एम पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ओ से एम को हमने ज्वाइन कर दिया, जैसे मैंने ज्वाइन किया अब आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, यस। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? ट्राइंगल ओ पी एम, यस और नो? एंड एक और आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ओ क्यू एम। इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉनग्रेंट प्रूफ करना चाहता हूँ। कॉनग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम एक तो ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं कहाँ से? सेंटर से। तो अगर क्योंकि ये ए बी और सी डी आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं, तो ये जो ओ पी और ओ क्यू भी हैं ये भी आपस में इक्वल रहे होंगे। इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वी डिस्टेंस होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, कहाँ से? फ्रॉम सेंटर, जिससे हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक। तो ओ पी और ओ क्यू आपस में कैसा है? इक्वल। एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल क्यू ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और ओ एम दोनों में कैसा है? कॉमन। तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये हो गया दोनों में कॉमन, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक मैंने इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या क्वांटिटी ली है? मैंने कहा क्योंकि ए बी और सी डी क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल हैं,
इसलिए ये OP और OQ भी आपस में इक्वल होंगी। इन दोनों इक्वल कॉर्ड की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी आपस में इक्वल होंगी, यानी OP और OQ। और एंगल P और Q है ईच 90 डिग्री और OM दोनों में कॉमन है। तो एक ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? OPM कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है OQM के, कौन से रूल से? RHS रूल से। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक। जब ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं, तो मैं बाय CPCT ये कह सकता हूं कि इस वाले ट्राइंगल का PM और इस वाले ट्राइंगल का QM आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो बाय CPCT लिख रहा हूं PM इक्वल रहा होगा QM के बाय CPCT। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या कि हमें ये बात पता थी क्वेश्चन में पहले से ही कि AB और CD आपस में कैसे हैं? इक्वल। देखो ये जो PM और QM आया है ना, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना। AB किसके इक्वल है? CD के। ये क्वेश्चन में क्या था हमें? गिवन। तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। AB और CD के जो हाफ है वो भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? अब बताओ, क्या AB का जो हाफ है उसे मैं AP लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि सेंटर से सर जो आपने लाइन गिराई थी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, यानी कि AP और PB आपस में इक्वल हैं, यानी कि AP को इस AB का क्या कहा जा सकता है? हाफ। इसी तरह से जब सेंटर से लाइन गिराई थी CD पर, तो ये जो लाइन थी ये क्या थी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये जो क्यू पॉइंट है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब CQ और DQ आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब मैं CD के हाफ को क्या लिख सकता हूँ? CQ। तो मैं AB के हाफ को AP और CD के हाफ को CQ लिख रहा हूँ। ठीक है, AB के हाफ को क्या लिखना था बच्चों? AB के हाफ को AP और CD के हाफ को क्या? CQ। ये AP और CQ, ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया ऐसे। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या? 2। अब मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इन्हें ऐड करा रहा हूं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप बच्चों इनको ऐड कराओगे तो देखना क्या होगा। तो आंसर है AP और PM ऐड हो जाएंगे, AP प्लस PM, और इधर QM प्लस ऐड हो जाएंगे। अब फिगर में देखकर बताओ, AP प्लस PM करेंगे तो क्या आएगा? देखो, AP में अगर PM ऐड हो जाए तो क्या आ जाएगा? AM। अगर CQ में QM ऐड हो जाए तो क्या आ जाएगा? CM आ जाएगा। तो वही कर रहा हूं मैं यहां पर कि AP प्लस PM मिलकर क्या बना देगा? AM। और QM और ये मिलकर क्या बना देगा? CM। ये हमारा पहला सेगमेंट आपस में इक्वल प्रूफ हो गया कि AM किसके इक्वल है? AM किसके इक्वल है? CM। ठीक है, ये समझ आया? तो ये सेगमेंट इक्वल प्रूफ हो गए। अब दूसरे बाकी के सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना आसान है। कैसे? देखना, सुनना ध्यान से। अब हमें क्या और प्रूफ करना है कि DM और BM आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो हमें पहले से पता है कि AB किसके इक्वल है? CD के। ये क्वेश्चन में क्या था? गिवन। और एक इक्वेशन और है जो यहां पर निकल कर आ चुकी है, AM और CM आपस में इक्वल है, आया ना? ये आ चुकी है। क्या आ चुका है? AM इक्वल है CM के। अब ये मान लो कोई एक इक्वेशन है, इसको मान लो हमने थर्ड नाम दे दिया और इसको हमने कहा मान लो क्या नाम दे दिया? फोर्थ। अब इस थर्ड में से फोर्थ माइनस कर दो तो AB माइनस में क्या? AM। और CD माइनस में क्या? CM। अगर मैं AB में से AM माइनस कर दूं, AB में से AM माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा? BM। ठीक है, और अगर मैं CD में से CM माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? DM। तो ये बच्चों हमारा दूसरा वाला जो सेगमेंट हमें प्रूफ करना था वो भी इक्वल आ गया। ठीक है ना? तो कैसे किया एक बार फिर से ध्यान दो, ये एक सर्कल है,
इस सर्कल में ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड हैं, दो इक्वल कॉर्ड हैं, ठीक। इस सर्कल का ओ सेंटर है, सेंटर से जो भी लाइनें ड्रॉ की जाएंगी इन इक्वल कॉर्ड पर वो परपेंडिकुलर होंगी और बाइसेक्टर होंगी, और साथ में क्योंकि ये कॉर्ड इक्वल हैं तो इनकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ओ पी और ओ क्यू आपस में इक्वल होगा, ठीक। हमने ओ से एम को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराते ही हमारे सामने दो ट्राइंगल दिखे छोटे छोटे, उन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कैसे किया? तो आंसर है कि ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये ईच 90 डिग्री और ओ एम दोनों में कॉमन। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए आर एच एस रूल से, तो मैंने बाय सी पी सी टी कहा कि पी एम और ये जो एम क्यू है क्यू एम है ये आपस में कैसे होंगे इक्वल। ये एक इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशन, कि पी एम और एम क्यू आपस में इक्वल है, ठीक, एक इक्वेशन हो गई। फिर मैंने कहा कि ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं इक्वल, तो इनके हाफ भी आपस में equal. तो ए बी का जो हाफ है वो क्या रहा होगा ए पी, और सी डी का हाफ क्या, तो अगेन ए पी किसके इक्वल आ गया, अब ए पी सी क्यू के इक्वल है और पी एम क्यू एम के इक्वल है। अब फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड करा दिया यहाँ पर जाकर ना, ए पी सी क्यू के इक्वल और पी एम क्यू के एम के इक्वल है, इन दोनों को ऐड कराया, तो ऐड कराते ही ए एम किसके इक्वल आ गया, अब ए एम सी एम के इक्वल आ गया। जब इनको ऐड कराओगे ना तो क्या हो गया, ए एम सी एम के इक्वल आ गया। अब कुछ नहीं किया फिर मैंने ये किया, मैंने कहा ए बी किसके इक्वल है सी डी के, और ए एम किसके इक्वल प्रूफ कर दिया सी एम के, तो मैं कह रहा हूँ ए बी में से ये ए एम माइनस कर दो और इस सी डी में से सी एम माइनस कर दो, तो बेसिकली इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप ए बी में से ए एम और सी डी में से सी एम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए बी माइनस ए एम क्या दे देगा आपको बी एम, और सी डी माइनस सी एम क्या दे देगा आपको डी एम। तो इस तरह से आप ए एम सी एम के इक्वल और डी एम बी एम के इक्वल प्रूफ कर पाओगे। ये इस एक्सरसाइज का एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह की लैंग्वेज यूज की गई है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ो, आपको फीलिंग आएगी क्वेश्चन नंबर टू जैसे। वो कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, पहले वाले क्वेश्चन की भी यही है लाइन, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में बच्चों ये दो इक्वल कॉर्ड हैं, मान लो एक कॉर्ड है ये, इसका नाम क्या है ए बी, और मान लो ये एक और कोई कॉर्ड है इसका नाम है सी डी, ठीक है, और ये इस सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मान लो कहाँ पर, एम पॉइंट पर। अब वो ये कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, सबसे पहले तो ये नोट करना चाहिए हमें कि ये गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है सी डी के, ठीक है, नंबर वन बात। प्रूफ क्या करना है वो पढ़ो ध्यान से, तो प्रूफ उसने कहा ये करना है आपको कि अगर प्रूफ दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट कौन सा है जो ज्वाइन करने इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है एम, वो कह रहा है कि इसको अगर ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो जो आगे कह रहा है वो ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड, इक्वल एंगल बना रहा है किसके साथ, कॉर्ड के साथ। तो प्रूफ करके दिखाओ कि अगर मैं इंटरसेक्शन करने वाला जो पॉइंट है उसको अगर सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो कॉर्ड के साथ जो एंगल बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे इक्वल, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। फिर से सुनो, ये एक सर्कल है, इसकी ये दो इक्वल कॉर्ड हैं, ये एक दूसरे को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रूफ करके दिखाओ कि इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो वहां पर जो एंगल क्रिएट होंगे वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाता होगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे देखा जाए तो, कैसे, देखो सेंटर से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराया, आया ना, यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर लिया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं, कर चुके हैं, आया ना, कर चुके हैं ना। इसको मान लो नाम रख देते हैं हम P, क्या नाम रख देते हैं P, और इसका नाम क्या रख देते हैं Q। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में ये ओ पी एम ट्राइंगल और ओ क्यू एम ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट है,
और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहेंगे। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इतनी लाइन लिखनी है ये सारी वापस से, और फिर बाय सीपीसीटी क्या लिख देना है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या लाइनें लिख रहे होंगे बोलो, हम प्रूफ क्या करना है ये समझ में आ गया। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ओ एम पी, एंगल ओ एम पी क्या करना है, इक्वल इसके ओ एम क्यू के, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करोगे, प्रूफ करना समझ में आ रहा है। दो ट्राइंगल लेकर चलेंगे, ओ पी, ओ एम पी या ओ पी एम जो भी लिखना चाहो आप। ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा ओ एम पी लिख लो, ठीक है लिख लो ओ एम पी, अब दूसरा क्या लोगे, ओ एम क्यू। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, ओ पी और ओ क्यू आपस में, हाँ या ना, क्यों इक्वल है, हाँ इक्वल कॉर्ड्स हैं ये, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम सेंटर इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, दूसरा एंगल पी और एंगल क्यू आपस में ईच 90 डिग्री, ठीक, और ओ एम कॉमन है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन। ठीक है, अब ट्राइंगल ओ एम पी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कौन सा रूल, आरएचएस रूल से कैसे, राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल लिया, हाइपोटेनस ली और साइड ली, आरएचएस रूल हुआ। अब बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो बाय सीपीसीटी लिख सकते हैं ओ एम पी, ठीक है, एंगल ओ एम पी इक्वल रहा होगा एंगल ओ एम क्यू के बाय सी पी सी टी। ठीक है, इस तरह से आप करा दोगे। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन में लाइंस वही हैं, बिल्कुल सब कुछ वही है, क्वेश्चन बिल्कुल वही बोला गया है, बस क्वेश्चन अलग बना दिया गया है, अलग क्या कर दिया गया, सेपरेट क्वेश्चन नंबर अलग कर दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बस ये कर दिया है। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये सेगमेंट इक्वल दिखाने थे, और इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने थे। ठीक है ना, इस तरह से करोगे आप। इसके बाद देखो एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बच्चों सर्कल गिवन है, एक ये सर्कल है और इसी तरह का एक और सर्कल है, और दोनों के सेंटर सेम है, तो ऐसे सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोसेंट्रिक। ऐसे देखो इस सर्कल का भी सेंटर यही है, इस वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, तो ये दोनों सर्कल कोसेंट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पर ओ है इनका सेंटर, और एक हमें लाइन दे रखी है इस तरह से कोई, ठीक है ऐसे एक लाइन दे रखी है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और हमें प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूव, प्रूफ क्या करके दिखाना है, ए बी इक्वल टू सी डी दिखाना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करना आसान है, हम जानते हैं कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की जाएगी तो वो वहां पर क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये अब हमने इस वाले सर्कल के बारे में सोचो आप फिलहाल अभी, तो ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी पर। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे ओ एम एच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो इसलिए बीएम और सीएम आपस में कैसे होंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही ऑल्सो ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू एडी। अब अंदर वाले सर्कल के बारे में मत सोचो, अब सिर्फ बाहर वाले के बारे में सोचो। ठीक है, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, एडी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एडी। अब एडी का अगर बाइसेक्टर है तो एएम और एमडी आपस में इक्वल होंगे, एएम और डीएम आपस में इक्वल।
इक्वल होंगे, तो ए एम इक्वल्स टू डी एम, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करा दो, किसको, फर्स्ट को, किस में से, सेकंड में से, क्यों, देखो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कराओगे देखो क्या होगा, आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो क्या लिखोगे, ए एम माइनस और डी एम माइनस, ऐसा होगा। तो जैसे ही आप इस ए एम में से बी एम माइनस करोगे क्या बचेगा, ए बी, ठीक है, और डी एम में से अगर सी एम माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, सी डी। यही हमें प्रूफ करना था, है ना, कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इस सर्कल के लिए ये सेंटर है, तो ये वाली जब लाइन ड्रॉ की जाएगी तो ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होगी, ठीक है, तो इसका मतलब बी एम और सी एम इक्वल होंगे। और फिर इस वाले बाहर वाले सर्कल के लिए सोचो, इस सेंटर से जब ये लाइन ड्रॉ की गई होगी तो ए एम और डी एम आपस में इक्वल होंगे, ठीक, ये दो इक्वेशन आ गई, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ए एम माइनस बी एम ए भी आ जाएगा और डी एम माइनस सी एम क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 गर्ल्स रेशमा शर्मा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ओके, तीन गर्ल्स की बातें करनी है, मैं ये तीन गर्ल बना रहा हूँ जो कि एक सर्कुलर पार्क पर, ये एक सर्कुलर पार्क बना दिया मैंने, ठीक है, इस सर्कुलर पार्क पर तीन गर्ल, कौन कौन सी गर्ल, एक तो है रेशमा, एक है सलमा और एक मनदीप, ठीक है, ये मैंने उनके नाम रख दिए। ये एक पार्क की बाउंड्री पर बैठी हुई है, आप ऐसे मान लो, और इस सर्कल का ये कोई सेंटर है ओ, ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 कितना मीटर, सॉरी कितना है, 5 मीटर, ठीक है, ये 5 होगा, अगर आप देखो तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। देखो ध्यान दो, रेशमा ने सलमा को एक बॉल फेंकी, ठीक, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने रेशमा को, ठीक है, तो बॉल इस तरह से फेंकी गई, रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप और मनदीप से रेशमा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। रेशमा से सलमा तक की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, सलमा से मनदीप तक की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से, ये एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क में ये रेशमा सलमा और मनदीप ये तीनों बैठे हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ बॉल पास कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ बॉल पास कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है, तो बताइए रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी, जबकि इस पार्क की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर ये सेंटर से ये देखा जाए तो एक कॉर्ड है हमारे पास, आर एम क्या है, एक कॉर्ड, और सेंटर से कोई भी लाइन अगर यहाँ आएगी तो वो यहाँ पर क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर बनाएगी, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और भी कि अगर मैं सेंटर से इस वाली कॉर्ड पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो तब भी वो यहाँ पर क्या होगी, पर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर आप कोई लाइन लेकर जाओगे वो वहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेंटर से जब इस वाली कॉर्ड पर आप आए आर एम पर तब भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ठीक है। इसका थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर कुछ नाम रख देते हैं, मान लो एन, ठीक है, तो ओ एन परपेंडिकुलर है किस पर,
आरएम पर, और अगर सेंटर से इस आरएस वाली कॉर्ड पर भी अगर आप कोई लाइन लेकर आओगे तो वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस जगह का हम कुछ नाम रख देते हैं, मान लो पी, ठीक है, ये ओपी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आरएस। अब आरएस की जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है, बताओ कितनी है, 6 meters. कितनी है, 6 है, तो ये इतना पार्ट कितना बचा होगा, 3 meters, हाँ या ना, क्योंकि टोटल 6 है और ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये टोटल 6 है, तो ये कितना रहा होगा, 3 meters। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है ओ आर पी दिख रहा है क्लियरली या नहीं, ओ आर पी ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ जिससे क्लियर हो, ठीक है, ये 3 meters है और ये भी कितना होगा, 3 meters, और ये टोटल कितना था, 6 meters, ठीक है। ये जो ओ आर पी वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ट्राइंगल का नाम बोलिए, ओ आर पी। इस ओ आर पी ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ओ आर क्या है, हाइपोटेनस, तो यानी ओ आर का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, आर पी के स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। ये ओ आर कितना है, 5, आर पी कितना है, आर पी कितना है, 3, और ओ पी कितना है, पता नहीं, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा होगा, इधर कितना, 16, स्क्वायर हटाओगे तो रूट, तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, बोलो, 4, कितनी आ जाएगी ओ पी, 4 meters, ठीक। तो ये हमारे पास OP निकल कर आ गया कि जब हमें OP की जरूरत पड़ेगी तो वो 4 meters रहा होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ORS, ये क्लियरली दिख रहा है, यस और नो, ORS दिख रहा है। इस ORS ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो आंसर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ओ आर एस, इस ओ आर एस ट्राइंगल में बेस क्या है, 6 meters आर एस, ठीक है, और इस पर हाइट क्या है, इस वाली लाइन पर हाइट क्या है, ओ पी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस ट्रायंगल का जब आप एरिया निकाल रहे होगे तो लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू बेस पर हाइट क्या है, ओपी, ठीक है, तो 1/2 आरएस, आरएस कितना है, 6, और ओपी कितना है, 4, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 12 meters square। ये इस ओआरएस ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ओ आर एस ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक तरीका और भी है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो ओ आर एस ट्राइंगल है, अगर मैं इसका बेस ओ एस ले लूँ, क्या ले लूँ, बोलो, ओ एस, तो इस पर हाइट क्या होगी, आर एन, बोलो क्या होगी, आया ना, अगेन यही ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, बट अगर मैं बेस ओ एस लेता तो हाइट क्या होती उस केस में, आर एन, ठीक। तो एरिया ऑफ, अगेन निकाल, फिर से निकाल रहे हैं, ओ आर एस क्या होगा, 1/2, अगर हमने बेस ये लिया था तो हाइट ये ली थी इस ट्राइंगल के अंदर, और अब बेस क्या ले रहे हैं हम, ओ एस, ओ एस पर हाइट क्या आ रही है इस ट्राइंगल की, आर एन, ओ एस इंटू आर एन, ठीक है, 1/2 ऐसे ही, ठीक है। ओ एस कितना है, ओ एस, ओ एस बताओ कितना है, 5 meters है, अरे ये रेडियस ही तो है इस सर्कल की, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी थी, बोलो, 5 meters, तो ओ एस की जगह क्या लिख लोगे, 5, और इनटू में क्या, आर एन, ठीक है। बट ये जो एरिया है ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे, ये कितना था एरिया, बोलो, कितना था, 12, ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 24,
और 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल कर आएगी बोलो, Rn की। कितनी? तो आंसर है यहाँ से Rn की जो वैल्यू निकल कर आएगी जब 5 से आप डिवाइड कराओगे ना इसको, तो कितनी, 4.8 इतना मीटर, ये Rn की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हमें Rn नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, Rm। जितना Rn है उतना ही Nm होगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इस Rm लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो जितना Rn है उतना ही Nm होगा। या मैं ये कहूं कि जो Rm है वो Rn का क्या होगा, ट्वाइस, आया ना, जो Rn है, जो Rm है वो इस Rn का क्या होगा, ट्वाइस। तो हमें Rm अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ Rn, या 2 इंटू Rn की वैल्यू कितनी है, 4.8, तो कितना आ जाएगा, 9.6 इतना मीटर। ये डिस्टेंस रही होगी रेशमा से मंदीप के बीच की, ठीक है। अब एक बार फिर से सुनो, क्या किया हमने, ये जो सेंटर है इस सेंटर से इस Rm वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, जो क्या है, On, जो कि इस Rm लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, एंड ऑल्सो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा होगा, एक बात। दूसरा, ये जो Rs वाली जो कॉर्ड है, इस Rs वाली कॉर्ड पर भी हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, परपेंडिकुलर तो होगा ही साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि ये 6 मीटर है, तो ये इतना पार्ट कितना बचा होगा, हाफ ही तो होगा इसका, तो ये 3 मीटर है और रेडियस 5 है, तो ये वाली साइड निकल जाएगी ओपी, आया ना, तो ये हमने ओपी निकाल लिया इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, क्या निकाल लिया, ओपी। सबसे पहला काम हमने यही किया, एक काम हो चुका। अब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, वो कैसे, हम ये जो ट्रायंगल ORS है इसी का एरिया निकालेंगे, लेकिन दो बार निकालेंगे। पहली बार जब हम निकालेंगे तो हम बेस किसको लेकर चलेंगे, RS को, तो RS पर हाइट कौन सी आ रही है, OP, तो हमने पहले बेस RS लिया और हाइट OP ली, उसको सॉल्व करके हमारा एरिया निकल गया, ठीक है, उसे ऐसे निकल जाने दो। अब अगेन हम बात इसी ट्रायंगल की कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, बेस OS और हाइट अब इस पर क्या आ रही है, RN, ठीक, बट एरिया तो पहले ही निकाला जा चुका है, तो हमने एरिया की जगह वो लिख दिया। ये है तो इसी ट्रायंगल का एरिया, चाहे तो इस वाले बेस या इस हाइट से निकालो, या इस वाले बेस या इस हाइट से निकालो, एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, किसी ट्रायंगल का एरिया तो उतना ही रहता होगा, चाहे किसी भी बेस या किसी भी हाइट से निकालो। यहाँ पर बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक, मान लो थोड़ी देर के लिए कहता हूँ ये एच है और ये हमारे लिए क्या होता है, बेस, ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालना हो इस ट्रायंगल का, तो मैं क्या करूँगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो करूँगा। अब मैं यही ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ट्रायंगल मेरा यही है, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल मेरा यही है, बट मैं कह रहा हूँ बेस ये है, बेस अगर ये है तो हाइट अब ये वाली थोड़ी लेकर चलूंगा, हाइट वो वाली लेकर चलूंगा जो इस पर आ रही होगी, हाँ या ना बोलो, अब मैं इस फॉर्मूले, अब फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगाऊंगा तो अगेन आंसर क्या आएगा, हाफ बेस इनटू, इससे भी इसी ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है, इससे भी इसी ट्रायंगल, यही वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ रख दिया, बस इस बार बेस ये लिया है तो हाइट ये वाली ली है, वही सेम काम मैं वहीं काम वहाँ भी कर रहा हूँ। पहले जो ORS ट्रायंगल है इसका जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो बेस क्या ले रहा हूँ, RS, तो उस पर हाइट क्या ले रहा हूँ, OP। अब फिर से इसी ORS ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ बट अब बेस क्या ले रहा हूँ, OS, तो हाइट क्या लूंगा, RM, ठीक, दोनों से ही एरिया सेम ही ट्रायंगल का निकल कर आएगा, बट एरिया आपने जो पहले निकाला है और जो बाद में निकाला है, ये दोनों ही एरिया आपस में कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों ही सेम ट्रायंगल के एरिया हैं। यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, RN की, ये RN की वैल्यू को आप ट्वाइस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, RN। पढ़ रहा हूँ, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन ऑन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। 3 बॉय कौन कौन से, अंकुर सैयद एंड डेविड, तो ये हमने
बना दिया। क्या है ये? एक सर्कुलर पार, और ये है अंकुर, ये है सैयद और ये है डेविड। ठीक है, इनके हाथ में एक टॉय वाला टेलीफोन है जिससे ये वॉकी टॉकी टाइप उससे बात कर रहे हैं, और जो वॉकी टॉकी की जो स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ जो है वो आपस में कैसी है? इक्वल। अब क्योंकि ये लेंथ तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, और इस सर्कुलर पार्क की रेडियस भी हमें गिवन है, कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी भी सर्कल के अंदर जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर से ये जो लाइन जा रही है, ये दरअसल क्या है? रेडियस। और सेंटर से ही इसकी तीसरी वाली जो साइड है, मतलब ये वाली जो साइड है, इस पर जब हम ये लाइन गिराते हैं तो ये यहाँ पर क्या होगी? परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होगी। आया ना? लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जब सर्कल के अंदर बनता है तो खास बात ये होती है कि ये दोनों साइड कौन कौन सी, AO और OM, ये 2 और 1 के रेशियो में होती हैं। किसके रेशियो में? 2 और 1 ऑलवेज। ठीक है, मतलब जैसे ये जो OA है और ये जो OM है ना, इनका रेशियो कितना होगा? 2:1। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है? जब सर्कल के अंदर क्या बन रहा हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब सेंटर से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पर जो लेंथ हमारी बनती है, ये लेंथ और जो रेडियस होती है, उनका रेशियो 2:1 होता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर ये रेडियस 20 मीटर है, कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, तो ये कितना होगा? 10 मीटर। 2:1 का मतलब क्या होगा कि अगर ये 20 है तो ये उसका हाफ, आधा होगा। अगर ये मान लो 40 होती रेडियस तो ये 20 होता। समझ में आ गया? अगर ये 50 मीटर होती तो ये 25 मीटर होता। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जितना ये रेडियस होगी उतना उसका हाफ होगा। क्या? जो सेंटर से इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पर लाइन गिराई जाती है वो। ठीक है, ये एक थ्योरम है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो OM की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी निकल कर? OM कितना निकल कर आएगा यहां से? 10 मीटर। डायरेक्टली मैंने यहां पर फिगर में लिख दिया कि ये 20 है तो ये कितना होगा? 10। ठीक, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये थ्योरम आपकी पड़ी हुई होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि ये NCERT की बुक में नहीं गिवन है, लेकिन आपको RS अग्रवाल की बुक में मिल जाती है, और वहां पर जो सर्कल चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वहां पर मैंने प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है इस थ्योरम को। अब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? बोलो, 30। कितनी हो गई? 30। और मान लो कि ये अंकुर से सैयद तक की जो डिस्टेंस है, ये मान लो 2x है। कितनी है? 2x। अगर ये 2x है तो ये टोटल, ये भी कितना होगा? 2x। और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 2x, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल थी। ठीक है, अगर ये टोटल लेंथ 2x है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? x। और ये भी कितनी होगी? अरे टोटल 2x है तो इसका आधा ही तो होगी ये x। ये समझ आ गई बात? अब आपके पास देखो बच्चों, आपके पास एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, ASM, दिख रहा है? इस ASM ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का नाम बोलो क्या है? इस ट्रायंगल में AS का स्क्वायर इक्वल रहा होगा किसके? AM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। AS कितना है? 2x। AM कितना है? 30। पूरा बोलो कितना है? 30। ठीक है ना, 20 ये और 10 ये, टोटल 30 है। और ये SM कितना है? x। ठीक, अब 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर और इधर 900। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है? ये x स्क्वायर इसमें से लाकर माइनस करो, कितने बच गए? 3x स्क्वायर। ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड करा दो तो बताओ x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 3 से इसको डिवाइड कराओ कितना आएगा? 300।
कितना आएगा? 300। और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? रूट 300। और रूट 300 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, 300 कहीं पर लिखा हो ना उसे 3 × 100, हाँ या ना? 300 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 100। और 100 का क्या बाहर आ जाएगा? 10। तो अंदर क्या बचा होगा? रूट 3, है ना? देखो ये 100 का क्या बाहर आ गया? 10। तो अंदर क्या बचा? रूट 3। इतना क्या? मीटर। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई? एक्स की वैल्यू, ठीक। लेकिन हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ फिगर में देखकर कितनी लेकर चले हैं हम? कितनी? 2x। आया ना ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी लेकर चले हैं? 2x ही तो लेकर चले हैं। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल कर देनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि इक्वल है किसके? 2x के, ठीक है। तो 2 × x की वैल्यू कितनी है? 10√3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20√3। इतना मीटर, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। अब एक बार फिर से सुनो, थ्री बॉयज, ये एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क पर तीन लड़के हैं, कौन कौन से हैं? अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक। ये इनके पास एक टॉय फोन है, जो टॉय फोन है उसकी जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, वो तीनों की आपस में इक्वल है। इससे हमें ये पता चल गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इसकी जो लेंथ है मैंने माना है कि कितनी रही होगी? 2x। ये 2x है, ये भी 2x, ये भी 2x। अब ये 2x ही क्यों लिए हमने? 2x इसलिए लिए कि इस 2x को जब हाफ किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाए? x। अगर मैं मान लो x लेता तो यहाँ x/2 आता, कैलकुलेशन आसान नहीं हो पाती। तो आसान करने के लिए मैंने कितनी लेकर चला स्टार्टिंग से ही? 2x, जिससे कि 2x का हाफ करना पड़े तो क्या बचे? x, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गई एक बात कि ये 2x है और ये x है, ये तो समझ में आता है। अब बात आती है यहाँ पर ये वाली लाइन की। अब ये वाली जो लाइन है इसमें सेंटर से लेकर यहाँ तक तो ये रेडियस है, क्या है? रेडियस। कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 20। अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर से जो इस साइड पर जो लेंथ गिराई जाएगी वो इसकी रेडियस के हाफ के इक्वल होगी, ठीक है। ये थ्योरम है जो हमें याद होनी चाहिए। तो अगर ये 20 है तो ये कितना रहा होगा? 10। तो इस तरह से ये टोटल जो साइड है AM ये कितनी होगी? 30, ठीक। अब ये 30 है, ये 2x है और ये x है। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमारे पास सॉल्व होकर किसकी वैल्यू आई? x की। लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं चाहिए, हमें तो टोटल चाहिए। तो हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल कर आ जाएगी। समझ आ गया? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।